बिना वजह जब तक हम आंखें नहीं मूंद लेते जगत से, और उसके बाद भी उनका प्रेम, उनका स्नेह, उनकी वत्सलता हमें प्राप्त होती। ये बहुत बार हमारे संत कहते हैं कि चारों धाम की यात्रा नहीं कर पाए तो चित्त में कोई मलाल मत रखना। जब सप्तपुरियों की पवित्रता हृदय में धारण करने का मन हो, जब चारों धाम की यात्रा का मन हो, जब साधन ना हो, समय ना हो, तो अपने पिता अपनी माता के पास जाकर बैठ जाना, तो तुम्हें सारे तीर्थों के तीर्थत्व का सुख मिलेगा। साक्षात भगवान हमारे कौन, हमने देखा ना, गणपति जब अग्रणी देवता घोषित हुए, सारे बाकी देवता तो ब्रह्मांड की करनी थी परिक्रमा, और गणपति ने कहा माँ बैठो ना पिताजी के पार्श्व में, बैठो ना। तो पार्वती बोली गणेश क्यों तंग कर रहे हो मुझे, तो वो बोले माँ बैठो ना, और माँ को पकड़ के बोले बाबा के उन्होंने मृणमय की परिक्रमा नहीं की, उन्होंने चिन्मयी सत्ता को गच्छा। और हमारे महेश्वर कौन है, हमारे पिता, और हमारी पार्वती कौन है, हमारी माता। और जिस दिन भारत में ये समझ जाएंगे ना, तो सारी भाग दौड़, द्वंद्व, सारी दुविधाएं नष्ट हो जाएंगी। हम समझ नहीं रहे जिस सुख की तलाश में दुनिया भर में भटकते हैं, वो सुख पता क्या है। माता है पंछी, उसका नन्ना, उसका बच्चा कहते हैं माँ मुझे दुनिया दिखा दे, माँ मुझे दुनिया देखनी है, माँ दुनिया कैसी होती है। तो माँ ने ऐसे पंख फैला दिए और फिर कहा जा बच्चे मेरे साथ आ जा, मेरे हृदय से सट जा, मेरे आंचल में समा जा, दुनिया देखनी है ना तुझे, दुनिया का सुख पाना है ना तुझे। जीवन के सारे भटकाओं के बाद व्यक्ति समझता है कि जिस सुख की तलाश में संसार के पदार्थों को तलाशता रहा, वो तो अपनों के सानिध्य में था, वो तो माता पिता के चरणों में था। जैसे स्वामी जी कह रहे थे कि वृक्ष की पहचान उसके फल से होती है। हमारे आदरणीय जय भगवान जी, उनके चित्त में जिस तरह का सेवा भाव है, इतने बड़े बड़े ऊंचे पदों पे बैठने के बाद भी जिस तरह का उनका दरिया बिछाना, खुद हाथों से भोजन परोसना, मुझे दसियों वर्ष हो गए उनकी इस सेवा वृत्ति का परिश्रम करते हुए। सचमुच वो वंदनीय है, जब वो वंदनीय है तो वो जिस वृक्ष के फल हैं वो कितने वंदनीय होंगे। स्वामी जी ने कहा हम उनको नहीं जानते पर उस फल को जानते हैं, वो फल जो उस वृक्ष पर बना था, ऐसे पेशी बना रहे हैं। मैं सोच रही थी, अभी भी बच्चे मुझे पूछ रहे थे कि दीदी माँ अकल में और फिर नॉलेज में फिर अनुभवों में क्या फर्क होता है। तो मैंने कहा पुराने लोगों के पास डिग्रियां नहीं होती थी पर वो जिंदगी से सीखते, जिंदगी के कड़वे मीठे अनुभव हमको सिखाते हैं। और उसमें से निकल कर जब माँ पिता निकलते हैं तो आपको बहुत धर्म ग्रंथ पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो बता देते हैं, उनका एक वाक्य बता देते हैं कि जीवन का सार क्या है, तत्व क्या है। अभी तो कोरोना महामारी चारों तरफ फैली है, इस बीच हमने बहुत अपनों को खोया। हम समझते हैं जीवन की क्षणभंगुरता, हमें मालूम है कि पता नहीं प्रातः जागेंगे कि नहीं जागेंगे।